दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगें कांप रही थी कि भारत हमला ना कर दे। ये सनसनीखेज खुलासा किया है पाकिस्तान में नवाज शरीफ पार्टी PMLN के कद्दावर नेता अय्याद सादिक ने। उन्होंने कल पार्लियामेंट में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। किसी भी पाक सेना के सेनाध्यक्ष की इतनी बड़ी बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई। पिछले साल भारत वाकई पाकिस्तान पर हमला करने वाला था जब अभिनंदन का विमान F-16 को मारकर POK में क्रैश हो गया था। तब भारत ने पाक को क्लियर चेतावनी दे दी थी कि अभिनंदन 24 घंटे में वापस चाहिए, वो भी बिना शर्त। उस वक्त भारत ने बॉर्डर पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कर दी थी और अपना युद्धपोत अरब सागर में ले आया था। उसके बाद अमेरिका ने पाक को चेताया था और फिर सऊदी प्रिंस MBS ने इमरान को फोन कर भारत की बात मान लेने के लिए बोला था। पाकिस्तानी आर्मी की गुंडागर्दी से वहां की राजनीतिक पार्टियां हमेशा से परेशान रही है। अब लगता है वहां नवाज शरीफ की पार्टी पाक फौज से भिड़ने के फुल मूड में है।